आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीका से बनाया है हमने। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चाप की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान तरीका से बनाया है हमने। तो चलिए देखते हैं। पहले हम प्याज को कट करके इसे फ्राई कर लेंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हमें इतना ही पकाना है, ज़्यादा पकाने से बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाएगा। ये बाहर निकालने के बाद अपने आप हल्का ब्राउन और हो जाएगा। प्याज को हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। प्याज को ठंडा करने के बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में सोया चाप को काट के फ्राई कर लेंगे। हम इसे ध्यान से पकाएंगे, अच्छे से डालेंगे ताकि हमारा हाथ न जले, और इसे उलट पलट कर ब्राउन करके हम पका लेंगे। ये एक मसालेदार बहुत ही लजीज सब्ज़ी बन के तैयार होगी। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चाप को हम निकाल लेंगे। चाप देखिए हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। चाप को निकालने के बाद हम इसमें एक टुकड़ा बटर डालेंगे और इसे पिघलने देंगे। तो यह चाप हमारा बहुत ही गर्म है अभी, और बटर डालने के बाद ये अपने आप पिघल जाएगा और ये सारे बटर इसमें मिक्स हो जाएंगे। सोया चाप ने बटर को पी लिया है, पूरा बटर मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे और इसमें सोया चाप को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब हम उसी कढ़ाई में गरम खड़ा मसाला डालेंगे। उसके बाद 2 टमाटर को हम पेस्ट बना कर डाल देंगे कढ़ाई में। अब हम टमाटर के पेस्ट को करीब 5 मिनट तक पकाएंगे। और सोया चाप में हम 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। ये मैं भूल गई थी डालना। ब्लैक पेपर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम टमाटर में स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। जब तक ये पक रहा है, चलिए हम मसाला को तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। मसाले को एक साइड रख देते हैं और चलिए देखते हैं टमाटर हमारा हुआ है कि नहीं। थोड़ी देर के लिए और इसे हम पकाते हैं। ये देखिए टमाटर हमारा हो चुका है। अब सभी मसाले को हम डाल देंगे और करीब 2 से 3 मिनट हम इसे पकाएंगे। जब तक हमारा मसाला अच्छे से पक ना जाए, उसमें से तेल ना निकल जाए, हम इसे पकाते रहेंगे। बीच में थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि नीचे से मसाला चिपके ना। अब हम यहाँ पे प्याज का पेस्ट डालेंगे, जो कि हमने फ्राई करके पेस्ट बना लिया था। प्याज हमारा पहले से ही पका हुआ है, इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। प्याज डालने के बाद थोड़ी देर के लिए, करीब 2 से 3 मिनट के लिए और इसे हम पकाएंगे। जार में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे भी हम मिला के कढ़ाई में डाल देंगे। मसाला रेडी हो चुका है। अब हम सोया चाप को डाल देंगे और सभी सोया चाप को डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आपके बच्चे बहुत ही प्यार से खाएंगे। आप लोग ने देखा, बहुत ही आसान तरीक़ा से हमने बनाया है ये सोया चाप। आप लोग ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम गरम मसाला डाल देंगे और गरम मसाला डालने के बाद हम इसमें कसूरी मेथी पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे हम इसे। अगर आपको सोया चाप की ग्रेवी और पतली रखनी है तो इसमें हम गर्म पानी थोड़ा सा डाल देंगे और इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज सोया चाप बन के तैयार है। आप लोग ज़रूर बनाइए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और प्यार दीजिए। थैंक यू।